सो हे वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो स्वागत है आप सभी का मिल के एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में एंड यार लास्ट एपिसोड में जैसे तुमने देखा था यार नया अपडेट आ चुका है और भाई काफी ज्यादा अपडेट है तो लास्ट एपिसोड में भाई हमने कुछ कुछ चीजें ट्राई करी थी यानी हमने मैप वगैरह में देखा था जाके कि भाई कोई नई चीज आई है कि नहीं आई एंड जो नई चीज आई वो हमने एक्सप्लोर करी थी एंड कुछ फायर वर्क वगैरह थे वो सारे हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करे थे ठीक है थोड़े बहुत फायर वर्क वगैरह फोड़ के भी देखे थे जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे बट तो काफी कमेंट आए थे भाई की चलो भाई अब 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 जाकर कागैरह लेकर के आता जो नई ब्रीड आई है उसकी एंड जो नई मशीन आई उसको भी ट्राई करने का टाइम आ चुका है तो चल फटाउट से ना अपनी हम आ, कार ये जो भाई, ट्रक है एक बार हम लोग चेक करते हैं अपडेट की वजह से तो ना थोड़ी पहले वाली जो सेव गेम सारी फैल या तो उड़ गई होंगी उस वजह से क्या है मैं जितने पिक्स वगैरह लेके आया था सारे पिक्स वगैरह यहाँ से हट चुके हैं अपने काउस बच रही है यहाँ पे एंड ये अपने खाना क्यों नहीं है क्या नहीं खाना फुल इनके पास बट खा क्यों नहीं रहा है भाई पता नहीं खाना फुल है भाई एकदम तो इनका ठीक है वाला मैंने पूरा फुल कर रखा है, है बाकी देखो यार तुमने ये तो देख लिया था भाई अपना फिलहाल के लिए अपने की, मैंने इतना बड़ा बना रहा है। सोच रहा हूँ अब ना मेरे को यहां एक गेट वगैरह बना देनी चाहिए इस एरिया में हम लोग प्रोडक्शन करा करेंगे बार हाउस ही लेकिन उसके साथ भाई पूरा पूरा प्रोडक्शन के लिए काफी बढ़िया तरीके से यूज होने वाले देख सकते हो तुम लोग भाई कितनी ज्यादा स्पेसिंग है आराम से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर ये जगह भी कम पड़ जाए तो भाई ऊपर के

ठीक है तीन नहीं आई है तो उन तीनों को एक एक करके मतलब परचेज कर लेते हैं एंड उन तीनों को ला करके पहले यहाँ पर छोड़ते हैं देखते हैं भाई कैसे कैसे हो तीनों देखने में एंड उसके बाद करके भाई एक और चक्कर मार लेंगे हम लोग एंड एक और लॉट लेकर आ जाएंगे उन लोग उनका सबका एंड उसके बाद जो है ना भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ तुमने बताया था अपने एक भाई ने बताया था कमेंट में उन्हें कमेंट में यहाँ पर डाल दूंगा अगर मिल गया तो बाकी हमको यार नाम याद नहीं आ रहा उन्हें कहा था कि भाई जो ट्री है ना वो हमको भाई बुक में मिलता है तो एक बार मैं वो भी चेक कर लेता हूँ भाई बुक में ट्री जो है क्रिसमस ट्री वो कहाँ पर होएगा तो वो ओके ये रहा देख रहा ये किसमेंट्री है यहाँ पे इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं और इसको हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं जब लोग कल डेकोरेशन का सामान लेकर आए थे ना भाई उसको हम लोग इससे ही डेकोरेट कर सकते हैं इसको डेकोरेट कर सकते हैं उन डेकोरेशन से तो ये चीज़ मेरे को पहले पता नहीं थी पर भाई ने बता दिया तो भाई कब ज़्यादा बढ़िया बात हो गई है तो अब हम इससे हाँ डेकोरेट वगैरह करेंगे थोड़ा अपने रेंज को ताकि भाई अपना रेंज जो है बढ़िया लगने लग जाए ठीक है बाकी फिलहाल यार यहाँ पर बहुत ज्यादा स्किट करते हैं भाई ये अपना ट्रक वर्क जो भी लेकर आते हैं भाई स्नो में बहुत ज़्यादा स्किट करते हैं बहुत मतलब ट्रन में कोई हद नहीं है तो नहीं स्क्रेट करते हैं एंड ब्रेक तो भाई तुम लोग भूल जाओ कभी भी लग जाएंगे टाइम पे ठीक है ये भाई प्रॉब्लम होती है स्नो में बहुत ज़्यादा ठीक है बाकी फिलहाल देखो हम लोग पहुंच तो चुके हैं एंड यहाँ पर फटाफट से चल के हम परचेज़ कर लेंगे अपनी काउस वगैरह को जितनी भी है एक काचेस करेंगे नई ब्रीड वाली एंड बाकी दो तो हमें बुल परचेज़ करने हैं ठीक है तो एक ये डेयरी बुल है तो भाई ये वाइट कलर का लेकर चलते हैं सबसे पहले तो ठीक है ये बीफ काओ एक ऐड कर लेते हैं एंड ये बीफ बुल ऐड कर लेते हैं एंड बीफ काव हम लोग दो कर लेते हैं ना क्योंकि काओ तो भाई हमको फिलहाल ज़्यादा चाहिए ठीक है इनको मैं चेकआउट कर दिया फटाफट सेल करके भाई इनको यहाँ पे लोड करता हूँ अपनी कार अपने ट्रक में ठीक है ये खाली तो है ना पूरा कहीं और ये है ओ भाई ये बुल है भाई ये ठीक है बाकी कहाँ है बाकी कहाँ है ये काओ है ये वाली भी काओ है एंड देखो ये वाला बुल भाई क्या खतरनाक लग रहा है भाई ये देख रुपये इसका भाई कितना बड़ा है ये वाला बुल तो नहीं जो दूसरी ब्रीड है ना भाई ये डेरी वाली भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ये वाले साइज़ वगैरह में जो नॉर्मल वाले ना उससे भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ये वाले एंड इनका नाम आई गेस डेरी हैश है डेरी एंड डेरी बुल डे कोई नहीं होता हूँ आके चेक कर लेंगे भाई बाकी मेरे को तो यार साइज में देखो ना सही बताऊँ काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं वो देखो तो तो मैं दिखा देता तो हूँ एक बार अरे, अरे अरे भाई 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 ट्रक इतना तेज भाग के जा रहे हैं ये देखो भाई मतलब साइज कंपैरिजन तुम कर ही सकते हो जो लेफ्ट राइट साइड में जो पीछे वाला है ना भाई वो बुल है एंड उसके बावजूद भाई वो कितना छोटा लग रहा है इनके सामने मतलब ऐसा लग रहा है भाई इन्हीं का बच्चा हो यहाँ पे इतना छोटा सही है एंड बाकी भाई ये देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी अपनी दूसरी ब्रीड बीड भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड बाकी यार इन्हें यहाँ पे ये दोनों आ गए हैं बुल भी आ गए नॉर्मल भी आ गए तो यार इसका मतलब यहाँ पे छोटे काओ भी आएगी तो वो भी मेरे को चेक करने पड़ेगी भाई वो कैसी लगती है देखने में एंड बाकी मेरे को तो लग रहा है भाई मतलब तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है वो भाई कैसेगी वो देखने में बिल्कुल एक्चुअल जैसी होती है मतलब बिल्कुल पतली सी छोटी सी तो वैसी लगेगी या फिर भाई हो सकता है कुछ अलग टाइप की हो तो वो चीज़ में चेक करेंगे कहीं काफी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार फिलहाल तो इसलिए कह रहा हैं यार फटोटे आगे सब्सक्राइब कर लो भाई जिसने भी नहीं करा अभी तक एंड यार ये भाई ये बदतमीजी भाई कभी खत्म नहीं हो सकती यार एकदम से गाड़ी के बीच में आ देंगे एंड उसके बाद भाई टकरा करना एक तो भाई पता नहीं क्या पत्थर वत्थर के बने हुए हैं ये समझ में नहीं आता एकदम से गाड़ी के नीच में बीच में आ देंगे एंड भाई उसके बाद अपनी गाड़ी इतनी तेज़ रुकती है ना भाई मतलब बेकार कर देते हैं एकदम से ये ठीक है बाकी फिलहाल देखो यार मैं यार आना था तो मैं फटाफट से आ चुका हूँ सीधा भगा करके अपनी ट्रक को एंड फटाफट से उतरते हो यहाँ पर एंड सारे सारे काउस वगैरह को अंदर की तरफ लेकर चलते हैं ताकि भाई इनको यहाँ पे अनलोड कर सके हम कि भाई बाहर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुके है वापस से एंड मैं चाहता नहीं भाई इनको ठंड मंड लग जाए एंड कहाँ बाहर जाओगे यार तुम लोग तो? ठीक है इनको उतारते हैं भाई फटाफट से पहले एंड ये लो भाई देख लो मतलब इनसे कितने ज़्यादा बड़े हैं भाई ये ये तो भाई छोटे छोटे से लग रहे हैं एंड ये वाले कितने ज़्यादा बड़े हैं भाई वाह यार देख रहे हो लिटरली भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है भाई इनका ओ भाई 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 ठीक है एंड भाई दूसरा बुल कहाँ पे अपना ही वाला एंड भाई ये देखो ये बुल है ये भी देखो कितना ज़्यादा बढ़ा इसका देखो तो सींग बड़े हैं एंड इनके सींग है ही नहीं इनके सींग है बटे छोटे सींग है बुल जो होता है ना उसके बड़े सींग होते हैं एंड एक बुल हम जो परचेज करके लेके आया था वो कहाँ पे गया आ भाई ये वाला बुल कहाँ गया वाइट कलर में था ना वो ठीक है वाइट कलर में तो भाई यहाँ पर है ये रे ये है शायद से बुल है ना नहीं 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 ये तो भाई कहाँ में दोनों ये ना ना भाई ये घूम यहाँ पर घूम रहे वाला बुल देख रहे भाई ये भी कितना सही लग रहा है देखने में इसके सी भाई इसके सीन सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इन सब में ठीक है तो कोई नहीं फ्रॉट सर करना भाई बाकी को परचेज़ करके ले आता हूँ मैं एंड बाकी भाई वहाँ बाहर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई मतलब स्ट्रॉम सा आ रखा तुम लोग मान के चलो एक छोटा सा एंड भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है भाई बिल्कुल सुनने में ना तो कोई नहीं देख रहे हो भाई मतलब भाई साहब कितना ख़तरनाक लग रहा है भाई पूरा का पूरा सीनारी एकदम लग रहा है भाई बहुत तगड़ी तूफान मैं क्या बताऊँ भाई तुम्हें खुद ही लग रहा होगा आवाज़ सुन करके मैं कितना ज़्यादा खतरनाक तूफ़ान आ रखा अपने रेंज के बाहर में एंड इतने इस हालात में भाई बाहर निकलना मेरे को तो सही लग नहीं रहा बट फिर भी भाई जाना तो पड़ेगा कॉस वगैरह परचेस करके लेकर आनी है हमको देख रहो भाई क्या खतरनाक स्टॉम आ रखा है भाई बाहर भाई कहीं रास्ते में हम लोग ठुक ठुक आना चाहिए अगर हम लोग बाई चांस रास्ते में निकलते ठुक के ना भाई सही में हालत ख़राब हो जानी भाई ये सिस्टम थोड़ा सा अजीब है इस गेम का मतलब हम लोग अगर अंदर आ चुके हैं अंदर वाले व्यू में तो इनको ना भाई आवाज़ थोड़ी सी ना कम कर देनी चाहिए थी अंदर के हिसाब से आवाज़ आनी चाहिए थी बट यहाँ पे तो भाई बिल्कुल सेम है मतलब फार्मिंग सिमुलेटर में ना चीज़ें ऑप्टिमाइज है एकदम बढ़िया से इसमें भाई थोड़ी ज़रूरत है चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने की भाई कोई बात नहीं भाई हम लोग पैसे चलाने वाले इस गेम को क्योंकि वैसे तो चलने वाले नहीं है भाई ऐसे ढंग से नहीं चलते थे वैसे तो बस तो चलने लग गए अच्छे से तुम लोग मार ही सकते हो ठीक है भाई फिलहाल से जल्दी चलते हैं भाई क्योंकि भाई बहुत गंदा वाला आ रखा तुम लोग देख रहे हो गए यहाँ पे मतलब दूर की चीज़ें दिख भी नहीं रही इतनी गंदी वाली स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे मतलब स्नो स्नो फॉल तो नहीं है स्नो स्टॉम है ये ठीक है अब से इसको यहाँ पे पार करते हैं जल्दी से भाई यहाँ पे चार हम लोग काओ परचेज़ करते हैं देखो यहाँ पे आके आवाज़ कम होगी एकदम ऐसे होनी चाहिए था तो बीफ का हम लोग तीन परचेज़ करते हैं एंड अच्छा ये बीफ काव है एंड ये डेरी बोला है डेरी काओ है ठीक है ये बीफ काओ है और डेरी बोले डेरी काओ है ठीक है और इनको हम लोग चार परचेज़ करके ले चलते हैं फटाफट से ठीक है चार मैंने यहाँ परचेज़ कर लिया अरे भाई 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 भागो मत भागा मत करो यार ये भाग के जाते हैं ना भाई जल्दी आता है फटाफट से जल्दी 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 ये निकल जाएगी नहीं तो बैठ जा बैठ जा बैठ जा इधर आ इधर 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 बैठ फटाफट से मैं फटोट से वाली कार को ना भाई पीछे की साइड ले चलता हूँ ताकि वो बाहर ना भा... अरे एक और कहाँ गई भाई अच्छा चौथी भाई दिखी नहीं रही थी कैमरे फ्लैच होगी भाई वो वहाँ पर लग दिखी ही नहीं रही थी भाई मेरे को उसके नीचे ना वो ऐसा लग रहा था भाई कोई कलर हो वैसे ही कलर कुछ पड़ा हो मतलब प्लेटफॉर्म ही लग रहा था एक टाइप से देखने में ना ठीक है मैंने सारे चारों को अपलोड कर लिया इन चारों को भाई फटाफट से लेकर के चलते हैं सीधा कि भाई बहुत खतरनाक वाला स्नो स्टॉम आ रखा है भाई बहुत खतरनाक लिटरली में देख रहे हो तुम लोग भाई बहुत खतरनाक है तो मैं जल्दी से लेकर चलता हूँ कि भाई मेरे को डर लग रहा है अगर रास्ते में गलती ठक गए मैं अपनी काउस वगैरह की भाई बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है नहीं तो एंड इधर से मोड़ते भाई फटाउट से सीधा सीधा लेकर चलते हैं अपने रेंज पर एंड थोड़ा सा संभाल करके लेकर जाना पड़ेगा एंड भाई ये रास्ता भी इतना दो में पूरा ढक चुका है तो दिखता नहीं जल्दी से भाई कहाँ से रास्ता था अपना बाकी फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया इस वजह से मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ पहले ही एंड बाकी यार इसमें ना एक ऐसे व्हीकल भी ऐड करनी चाहिए इनको जिससे हम लोग स्नो वगैरह हटा सके जहाँ से हम चाहें एंड उसके बाद भाई उन स्नो से हम लोग स्नो स्नोमैन वगैरह या फिर स्नो बॉल्स वगैरह बना सकते हैं तो भाई और, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है गेम एंड काफ़ी ज़्यादा और भी काफ़ी मज़ा आता है मतलब समझ रहे हो गई तो लोग भाई तो ठीक है फटाफट से ना इनको यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ एंड अरे यार, यार ये फंस जाता है ना भाई जब पड़ा दिमाग ख़राब होता है ठीक है यहाँ से खोलते हैं इन दोनों को एंड फटाफट से बैठते हैं अंदर साइड में एंड इसको जल्दी से बाहर निकालते नहीं नहीं भाई बाहर नहीं आना कहीं पर भी ठीक है इसको फटाफट बंद करते हैं इसको बंद करो इसको बंद करो अरे भाई यार यही चीज़ हमको बेकार लगती है यार अंदर आ फटाफट से बदतमीज कहीं की बाहर नहीं 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 यार ये भाई क्या बताऊँ भाई मैं ये बदतमीजी बहुत बेकार लगती है मेरे को अरे कहाँ जा रहे हैं मरेगा बाहर जाके इतनी ठंड हो रखी है बाहर भाई इतनी तमीज़ दिया भाई इनको मतलब इतनी ठंड में भागे जा रहे हैं बाहर की तरफ पता नहीं क्या मिल रहा है इन्हें बाहर ऐसा ठीक है बाकी पुराने वाले फुट स्टेप्स देखो भाई हट गए यहाँ से फुटप्रिंट्स जितने भी थे पुराने वाले सारे हट चुके हैं इसको मैं फटोवट से अंदर लेकर आता हूँ भाई मैं बहुत बदतमीज़ हो रहे हैं भाई ये बाहर भाग जाते हैं बात बात पे एंड इनको नीचे उतारता तो मैं फटाफट से अरे यार ऊपर चढ़ गई भाई यार ये थोड़ी दिक्कत दे सकती है अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुई ना हो गई चलो ट्रांसपोर्ट मुझे लगा था अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होती ना भाई थोड़ी दिक्कत हो जाती ठीक है इन सबको मैंने यहाँ पर उतार दिया भाई फटाफट से इसको मैं रिवर्स करके ले चलता हूँ बाहर की साइड में नहीं तो अगर ये दोबारा से गेट का कवर कर लेना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा एंड यहाँ से खोलते हैं इसे इसे अ नहीं 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 बाहर नहीं जाना भाई बत्तख तो भी देख लो गेट पर खड़े हो गए भाई नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो वापस वापस चलो वापस चलो जगह नहीं है वापस 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 फटाफट फटाफट जल्दी से भाई बड़े बदतमीज़ तो से भाई ये वो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और आ, नहीं नहीं चल चल, चल 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 ओ भाई क्या एकदम भाई कवर भाई बिल्कुल एंड टाइम पे आके बंद कर दिया मैंने एकदम थोड़ा सा डीले होता ना भाई तो ये बाहर निकल जाते हैं ठीक है बाकी मैंने फिलहाल इन सबको यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है अब हमें भाई दो चार काम करने हैं जो कि बाकी हैं तो एक बार फटोट से ना भाई ट्रक को लेकर चलता हूँ मैं एंड एक देखो एक काम तो हमें करना है वो मिल्किंग मशीन परचेज करके लेकर आनी है ठीक है उसी अरे भाई क्या गंदा स्टॉम है यार ये भाई कितनी तेज़ चुप है खाना में भाई एकदम मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई ये अरे अरे भाई 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 एक मैं सबसे पहले काम बताता दो तुमको आ, मैं सोच रहा हूँ मिल्किंग वाली ना यार हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं एंड तुम्हें पता है भाई हम लोग तगड़ी तगड़ी चीज़ें करते हैं तो उसको थोड़ा सा एक और लेवल अप पे करेंगे मतलब तुम लोग समझ गए गोगे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ मतलब बहुत तगड़ा तगड़ा मजा आने वाला है अभी तो ठीक है तो मिल्किंग वाली जो भी चीज़ है ना मतलब मिल्किंग मशीन लाना है मिल्किंग वाला सामान मिल्किंग वाली चीज़ से करना तो वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे बाकी भाई स्ट्रॉम भी जा चुका है तुम लोग देख सकते हो कि भाई बहुत गंदा स्ट्रॉम था यार बहुत ज़्यादा गंदा फाइनली चलो चला गया तो भाई काफ़ी अच्छी बात हो गई है तो ठीक है मैं तुम्हें बता रहा था भाई जो मिल्किंग वाला है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे बट फिलहाल यार आज मैं क्या कह रहा हूँ ना हम लोग एक बार वो ट्राई कर लेते हैं जो हमने वो खरीदा था ना चीज़ खरीदी थी जो हमने डेकोरेट करने के लिए ट्री को तो वो चीज़ हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं एंड एक बार अपनी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करके देख लेते हैं भाई कैसे डेकोरेट डेकोरेट होएगी वो अगर बढ़िया लगी तो देखते हैं भाई क्या करना होगा अरे भाई रात हो रही है जब भी तो ये स्टॉर्म चला गया या पता नहीं क्या रीज़न था ट्राउंड के जाने का बट कोई नहीं मैं फटाफट से यहाँ पर आकर मैं भाई यहाँ पे क्रिसमस ट्रीट और इसको परचेस कर लेता हूँ दो महीने अभी परचेज कर लिया ज़्यादा नहीं करने वाले एन बाकी भाई रात हो गया तो भाई फायर वर्क मज़ा उठाया जाए तो यार क्योंकि रात तो हो चुके हैं भाई फायर वर्क हमने यूज ना करे तो भाई क्या फ़ायदा तो आज चलो भाई आज हम लोग सेकेंड नंबर वाले उठाते हैं सारे सेकेंड नंबर वाले सब सब सेकेंड नंबर वाले उठा लेते हैं ठीक है इन सबको फटाफट से रखता हूँ मैं कार में एंड भाई रात को तो असली मज़ा आएगा यार इनको यूज़ करने का ना तो फटाफट से मैं इसको ना पहले पास रख लेता हूँ थोड़ा सबको ना थोड़ा थोड़ा पास कर लेता हूँ मैं ताकि भाई कार में रखने में थोड़ा ईजी रहे एंड पहले फटावट से भाई जितने आ चुके हैं इनको तो रख देता हूँ मैं एंड बाकी को बाद में देखेंगे या फिर पहले थोड़े इकट्ठे कर लेते हैं उनको एक ना फटाफट से पहले थोड़ा पास भी कर लेते हैं ताकि ऊपर रखे तो आराम से रखे आ जाए चलो इसको रखते पहले सबसे यहाँ पे टैक्स वाले को रखते टोटल सात है अपने भाई फायर वर्क याद रखना नहीं फायर वर्क तो अपने उतने ही है पाँच है शायद से फायर एंड दो अपने वो टॉयज़ है क्रिसमस वाले जहाँ तक तो मेरे को लग रहा है या फिर नहीं।, नहीं 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 भाई छः अपने पास सात अपने पास फायर वर्क है दो अपने पास क्रिसमस के टॉयज़ हैं ठीक है ये अपने पास सात हो गए ना पूरे चार पाँच छः सात कम्प्लीट हो चुके हैं एंड ये अपने पास दो है टॉयज़ तो ये दूसरा वाला कहाँ पे है भाई वो भी को चेक करना पड़ेगा भाई दूसरा आया नहीं क्या एक मिनट भाई दूसरा यार आना तो चाहिए था कहाँ चला गया अरे यार भाई क्या था बार पता नहीं मैं सोच रहा भाई कार ऑन क्यों नहीं हो रही एंड भाई एक ही आया भाई दूसरा पता नहीं क्यों नहीं आया क्योंकि देख रहे हो पूरे प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी नहीं है दूसरा तो कोई नहीं भाई फिलहाल तो एक ही लेके चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है एंड जो है फोटोट चल करके भाई यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं इनकी भाई कैसे लगने वाले देखने में ये एंड मैं सोच रहा हूँ आज ना भाई एक एक करके टेस्ट करेंगे ताकि भाई हमको पता चल जाए कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है एंड उसी हिसाब से भाई हम उसको परचेज करेंगे नेक्स्ट टाइम ठीक है जो सबसे बेस्ट होगा ना भाई उससे हम लोग कुछ ना कुछ कलाकारी करेंगे बहुत अगड़ी वाली तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट बार में कर देंगे बट फिलहाल आज तो मेरे को चेक कर रहे भाई कौन से बढ़िया है एंड जाकर के भाई फटाफट से ना क्रिसमस ट्री लगाएंगे एंड उसके बाद उसमें चीज़ें ट्राई करेंगे हम लोग एंड भाई यार, यार ये मत कह देना भाई क्रिसमस ट्री के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है हमें लाइक कुछ प्लैंगस वगैरह या फिर कुछ और चीज़ों में खरीद के लानी पड़ेगी हार्डवेयर स्टोर से ऐसा नहीं होना चाहिए भाई अगर ऐसा हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी या फिर हम लोग सुबह कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है इसको फट से हमें पार्क करता हूँ मैं एंड भाई क्रिसमस ट्री को अपने टेंट के साइड में लगा करके देख लेते हैं हम लोग लाइट वगैरह भी हमको यहाँ पर मिल चुकी है तो इसको थोड़ा पीछे करते ताकि भाई लाइटिंग वगैरह भी आ जाए सही और भाई पीछे वाला पेड़ भाई अपने आप चल रहा है भाई भूत भूत है यहाँ पे कोई भाई यू में ड्राउ यार मेरे को लग रहा है भाई कोई आत्मा भाई भूत वूत नाव यार, यार में कोई टी यार मजाक कर रहा था कोई दिक्कत नहीं है ये अपना क्रिसमस ट्री है एंड इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर ठीक है ये हमने यहाँ पे लगा दिया इसको चाहिए भाई चालीस वुडन प्लैंक्स भाई मजाक चल रहा रहेगा चालीस वुडन प्लैंक्स भाई कोई नहीं आज सुबह परचेस करके लेके आएंगे भाई इतनी बस की नहीं है फिलहाल अपने ठीक है बाकी एक काम करते हैं भाई फेरासिन अपने जितने भी यहाँ पर आ, इसको बंद करो एंड जितने भी अपने फायर वर्क्स है ना उन सारे फायर वर्क्स को नीचे उतारते हैं न एक करके ट्राई करते हैं भाई कौन सा सबसे बेस्ट है एंड चेक करते हैं भाई ठीक है तो सबसे पहले हम लोग भाई फोड़ने वाले हैं ये ऑरेंज वाला ऑरेंज ही है ना ये एक मिनट हाँ ऑरेंज ही है तो इस ऑरेंज वाले को ट्राई करते हैं हम चलो भाई इसको देखते हैं भाई कैसा है एंड चल रहा भाई ओ चला गया चला गया चला गया पर्पल टाइप पे था ये एंड ओ भाई भाई ये बड़ा खतरनाक था रिंग टाइप क्या है भाई इसमें ठीक है ब्लू वाले को ट्राई करते हैं हम लोग फटाफट से तो ये ब्लू वाला जाने वाला है बस एंड चिंग ओ ये भाई ये ऑरेंज है ओ भाई ये मल्टी शॉर्ट्स है भाई ये भाई 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 ऑरेंज भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई ठीक है ऑरेंज तो देखो एकदम बेसिक वाला था जो अपना नॉर्मल हमें हम लोग यूज़ करते हैं वही था ठीक है ये दूसरा ब्लू है तो इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं एक बार पुराना ब्लू था मल्टी शॉट ये वाला ब्लू कैसा है ओके ये ब्लू भाई वाइट फ्लैश ओ भाई 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 यार ये कल तो नहीं थे भाई अपने पास कल हमने जो फर्स्ट नंबर वाले ट्राई करे थे भाई वो इतने ख़ास नहीं थे ये वाले कुछ ज़्यादा सही लग रहे हैं मेरे को तो ठीक है ये एक और ऑरेंज आ गया ये दूसरा ऑरेंज है इसको हम लोग ट्राई करते हैं फटाफट से इस ऑरेंज में भाई कैसा लगने वाला है ये हाँ गया भाई अच्छा आगे की तरफ गया है ओ भाई भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था भाई ठीक है अभी ये यूज़ आ गया भाई पिंक आ गया भाई अभी पिंक वाला भी देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा पीछे जाता हूँ ना भाई तो थोड़ा अच्छे दिखेगा ओ ये भाई ये बहुत दूर दूर गया भाई ये बेकार था भाई काफ़ी भाई वैसे सही था बट हाँ थोड़ा थोड़ा दूर दूर, दूर गया ठीक है दूसरा पिंक वाला मैं कुछ ख़तरनाक करने की सोच रहा हूँ दूसरे पिंक वाले के साथ में तुम लोग को हो सकता है भाई कुछ को पता चल गया हो भाई कुछ को ना पता चला तो थोड़ी देर पता चल जाएगा एंड बाकी ये भाई मल्टी शॉट है येलो में भाई ये ज़्यादा शॉट्स हैं भाई 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 ये काफ़ी सारे शॉट्स थे भाई देख रहे हो भाई कितना तो सही लग रहा है देखने में एंड अब तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ भाई काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा लेकिन जिसको भी नहीं पता चला भाई अब पता चल जाएगा भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ करने वाला हूँ मतलब मैं ट्राई करना चाहता हूँ भाई यहाँ पर देख करके काबान के अंदर ये जो बार हज़ोर अपना इसके अंदर मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि भाई ये वर्क करेगा यहाँ पे या फिर या फिर नहीं करेगा एंड जितनी भी काउस अपनी सो रही है भाई इसकी आवाज़ से उठेंगी कि ये नहीं उठेंगी तो चलो भाई ये मैंने यहाँ पे लाइट अप कर दिया एंड भाई काउस तो सारी सारी है बट इसको देखते हैं हम लोग इस साथ क्या होने वाला है ये भाई आर पार निकल गया भाई भाई इसके मज़े भी नहीं ले पाए भाई हम लोग यार हट भाई मेरे को लगा था भाई यहीं पे फटेगा बट ये तो भाई हार पर निकल गया कोई नहीं ब्लू कलर का था ये एंड बाकी भाई मैं सोच रहा हूँ से जाकर के सो जाता हूँ मैं क्योंकि भाई सुबह मेरे को कुछ प्लान्स वगैरह भी लेकर के आने हैं तो भाई फ्रोट्स जाकर मैं प्लान्स लेकर आ जाऊँगा एंड उसके बाद भाई उसको भी ट्राई करके देखेंगे हम लोग ये क्रिसमस ट्री कैसा लगता है ठीक है और राइट तो गए यहाँ पे सुबह हो चुके हैं भाई फटोट्स चलते हैं भाई सीधा बिना टाइम वेस्ट करें प्लान्स लेकर के आते हैं भाई लाइटिंग क्यों हो रही है भाई अंदर इतनी अच्छा इसके लिए मेरी वाली लाइट जल रही है भाई ऐसे भाई मैं सोचा भाई इतनी बेकार लाइटिंग क्या हो रही है, है भाई ये इतनी ज़्यादा फ्लैश कर रही है भाई लाइट पता नहीं कौन सी थी बाद में पता चला मेरी वाली थी वो तो एंड इसको मैं अटैच कर लेता हूँ भाई यहाँ पे ठीक है सी टू अटैच कर दिया मैंने इसको एंड बाकी इन्हें फेंक देता हूँ भाई यहाँ पे इनकी ज़रूरत है नहीं कुछ वहाँ पर ले जाने की एंड भाई मैं तो यार ये भूल गया भाई एक प्लैंक में कितने आते थे आठ आते थे ना शायद से हाँ शायद आठ ही आते थे चेक कर लेते चल के एक पूरे पैक के अंदर आठ आते हैं तो भाई ऐसे हम लोग ओ भाई 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 बहुत बढ़िया ठीक है हमें हाँ क्या 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 था भाई एक के अंदर भाई कितने आते हैं अपने एक के अंदर आते हैं आठ आठ आते हैं हाँ शायद आठ ही आते हैं ठीक है आठ लगा के चलते हैं हम लोग एंड हमें भाई क्रिसमस ट्री चाहिए भाई चालीस तो हमें भाई पे पाँच पैक ख़रीद के लेकर के आने भाई टोटल यार क्यों ठुक रहा है भाई इतना तो हमें पाँच पैक्स खरीद कर ले, कर ले कर आने टोटल मैं सोच रहा हूँ भाई छः ही ले आता हूँ अगर थोड़ी बहुत कम हुए है बाई चांस तो वो कवर जाएंगे लास्ट वाले में ठीक है बाकी हम लोग सात पाँच नहीं सॉरी छः छः ले कर के आने हमको ठीक अच्छा है छः परचेज करके ले जाएंगे उसके बाद देखेंगे भाई कैसे क्या अगर कम पड़ गए तो भाई और देख लेंगे नहीं तो भाई उसी उसी को हम लोग डेकोरेट करके देखेंगे और देखते भाई कैसी लगती है देखने में बाकी फ़िलहाल भाई मैंने ट्राई तो करी नहीं अब अब ट्राई कर लेंगे हम लोग क्योंकि तो अब सामान वगैरह अपने पास हो चुका है पूरा भाई यार उस साइड से बचाया तो यहाँ पर आकर ढुक गया चल से तेरी ऐसे ही हाँ निकल गया ना भाई बिल्कुल देख रहे भाई मतलब बदतमीज़ है एक नंबर का बिना बोल रहे तो भाई आता भी नहीं है ठीक है तो जल्दी चलते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल छः पैक्स निकाल लेते हैं तो प्लैंग्स अपने रहे तो एक दो तीन चार पाँच छः छः प्लैंक्स के पैक मैंने यहाँ पर निकाल लिए एंड एंडफ्रॉट सबको रख के लेकर चलते हैं सीधा अपने रेंच पे एंड उसके बाद चल के कार्रवाई करते हैं भाई अपने क्रिसमस ट्री की भी देखते हैं उसको भाई वो कैसा लग रहा है एंड बाकी इसको रख लेते तो भाई ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं थोड़े थोड़े ऐसे रख देता हूँ थोड़े पीछे की तरफ रख देता हूँ ताकि भाई पीछे की तरफ थोड़ा सा वेट हो जाए जिसकी वजह से भाई अपना जो ट्रेलर है वो थोड़ा ढंग से चलेगा ठीक है बाकी इसका फरवर्ड से लेकर चलते हैं हम लोग मोड करके सीधा यहाँ से एंड व्यू में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि भाई इस व्यू में भाई काफ़ी ज़्यादा भेड़िया लगते हैं वो चलाने में एंड भाई इसमें कम ठुकता हूँ मैं तुम लोग देखना अब तुम लोग देखना भाई मैं कितना कम ठुक करके ले कर पहुँच जाऊंगा उसको सीधा घर पर मतलब बहुत अब तो तुम लोग मान के चलो भाई ना के बराबर ठुकने वाला हूँ मैं एंड बिना ठुके भाई इस व्यू में मैं थर्ड पर्सन व्यू में मैं आराम से घर ले जाऊँगा सीधा ठीक है तुम लोग देखते जाओ बस यहाँ पर कितने प्यार से लेकर के जाता हूँ मैं इसको एंड ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है यहाँ पे बट फिर भी मैं यहाँ से निकाल दूँ आराम से तुम्हारा भाई ओ पी ड्राइवर है भाई थर्ड पर्सन में मैं तो थर्ड पर्सन में इतना तगड़ा ड्राइवर हूँ ना मैं ठीक है देखो कहीं थे ना भाई बिना ठोके आराम से लेकर के आ जाऊँगा सीधा घर पर एंड भाई कर भी दिया वो एंड चलो भाई फटोफट से यहाँ पर लेकर चलते हैं हम लोग एंड यस हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा एंड यहाँ पर ला करके कर रोकता हूँ मैं फटाफट से ताकि भाई हम लोग टेस्टिंग कर पाए अपनी यार भाई रुक जा यार रुक जा ठीक है मैंने रोक दिया ये एक लगाया अच्छा हाँ देखो आठ ही आते हैं तो भाई अपने पाँच में काम बन जाएगा तो भाई काफ़ी सही रहेगा ये तो ये रहे ये रहा एंड इसके बाद लास्ट आएगा बस अपना जो कि आ गई ये एंड ये लो भाई किसमस ये अपना पूरा हो चुका है इसको करते हैं इंस्टॉल ओ भाई अरे लाइट ऑन भी होती है भाई इसकी ओके ओके एक मिनट रुको मैं इस वाले को भी लेकर के आता हूँ उठा करके एंड इसको भी लगाता हूँ यहाँ पर ई टू टर्न ऑन आ रहा है बस भाई ये और नहीं लगा सकते हम लोग यहाँ पर ठीक है कोई बात नहीं और नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं ऑन कर देता हूँ एंड भाई देखो देख रहे हो भाई मतलब अलग अलग लाइट्स चल रही है भाई लाइट्स ब्लिंक कर रही है इसमें जिसमें लाइट लग रखी है ना भाई लड़ी कहते हैं इनको वैसे हमारे यहाँ पे तो तुम लोग बताना तुम्हें क्या कहते हैं भाई जो लड़ी लग रखी है ना भाई ये वहाँ पर ब्लिंक कर रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्रीद इफ़ेक्ट है इसके अंदर ठीक है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में एंड भाई ये कुछ था अपना आज का इसमें तो मैं देखो यार आज हम लोग अपने यहाँ पे एनिमल्स लेकर के आ गए उसके बाद भाई हमने यहाँ पे अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करके देख लिया जो कि हमें करना था कुछ फायर वर्क हमने ट्राई कर लिया एंड नेक्स्ट एपिसोड में ने भाई हम लोग ट्राई करने वाले मिल्क मशीन की उससे भाई हम लोग के मिल्क वगैरह कर सकते हैं एंड आखिरकार हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मतलब वो चीज़ हमें यहाँ पे ट्राई करनी है ठीक है बाकी फिलहाल यार ये सारी अपनी काउ हो गए यहाँ पे सारा सारी चीज हमने यहाँ पे कर दिए तो फिलहाल यार आज की वीडियो को से इतना रखते हो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आइए वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक चैनल कर देना सब्सक्राइब शेयर देना अपने के साथ मिलता हूँ हम लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टिल टेक केयर एंड बाय बाय